भूत आता है क्या? प्रेत आके आपको कुछ बताता है कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए? कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया। लालू जी की पॉलिटिक्स से जो भी वाकिफ है, उन्होंने कहा मिलके रहो, विलंब हो गया, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो, और ये सारी चीजें तय होगी कि मीटिंग यहां करना है, वहां करना है, यहां करना है, वहां करना है। बाकी डिटेल आपको कहां एक्चुअली हो गई पहली और कहां दूसरी, वो सब तय हो जाएगी। ये तय किया गया कि हम लोगों को 101 मैक्सिमम इंश्योर करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 101। तीसरी चीज ये तय किया गया, जो खास तौर पर तेजस्वी जी ने भी इम्फेसाइज किया, कि हमें, मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो उन्होंने इम्फेटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों का चयन कर। ये मैं समझता हूं उपलब्धि इस मीटिंग की रही कि मुद्दों पर बातचीत हो, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो, सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट ए स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड, ये तय कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं उसके बाद जो कुछ आप मीडिया में देख रहे हैं, मैं माफी के साथ कहता हूं, मेरा मन करता है उनके पांव पकड़ लूं। भूत आता है क्या? प्रेत आके आपको कुछ बताता है कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए? कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। लालू जी की पॉलिटिक्स से जो भी वाकिफ है, उन्होंने कहा मिलके रहो, विलंब हो गया, 101 इंश्योर करिए, सीट शेयरिंग करिए, एक दूसरे के खिलाफ बयान मत दीजिए, ये मुद्दे थे। बिल्कुल सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए।